अडवाजी वेदं तुरी चढ़न व्याकरण पढ़न जानत ज्योति संग धनुष बाण रथ आगणो चोरी और भ्रम या जल तरण धीरजी धरन ये चौदा विद्या निदान। सजनों ये विद्या चौदह है, सब मोटी विद्या रागनी है। रागनी चालू कर दो सर्प आ जाए, रागनी चालू कर दो हिरण आ जाए, और इसी रागनी के प्रताप से विक्रमादित्य का चार ही हाथ पैर पाछा आ गया, और इसी रागनी के प्रताप से रावण कैलाश पर्वत नीचे दब गया। भगवान शिव की स्तुति गई, शंकर भगवान ने वापिस उबार दिया। रागनी वाच राग रसान, कोई भी काम करनो वन रसाणु करनो, नृत्यगत नाच बाकी भी एक कला है, जनता मां के लिए तरसे के एक दान और ही नाचे तो ठीक रहे। नटबाजी वेदन नट विद्या भी आद वेणी छावे, और तुरी चढ़न घोड़ा पे सवार हो भी आद वेणो छावे, और व्याकरण पढ़ने आदमी संस्कृत भाषा में समझनो छावे, और जाना ज्योतिषं ज्योतिष में भी समझनो छावे। बार बार ब्राह्मण को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो ये पड़वा मूल पांचे बढ़नी आटे कर्तिका नोमी रोहिणी दशेश लेगा जान या पांच ही नक्षत्र में आन है। ये पांच ही नक्षत्र क्या है? आगामी ना आप मकान की नीम लगा दो मकान पर हल्ट है, कोई ने बुखार आ गया माचो डाल बिछावन कर दो तो माचा वो मरी छूटे जीव तो न उठे, और या नक्षत्र में कोई बाल बच्चे जन्म जो वे तो मरणों पड़े वो जीव तो न रहे। पड़वा मूल पांचे बढ़नी आटे करती का नोमी रोहिणी दशेश लेगा जान या पांच ही नक्षत्र में आन। तो जानत ज्योतिषंग धनुष बाण रथ आगणो चोरी और भ्रम ज्ञान। चोरी कर वो भी एक विद्या है, मगर चोरी कैसी करनी? ज्ञान की चोरी करनी। आप सत्संग में बैठा कोई शब्द ऐसा मिल जाए तो वहां की चोरी करनी चाहे जो भविष्य में काम आवे। वह चोरी नहीं कोई को अंजन चोर ले गया जो बाजू प्लास्टर पे तो आवे, वह चोरी नहीं ज्ञान की चोरी। अरे उशियान या चोरा का माते छिंदी से, ये मन राजी करो तो भली बाकी चोरा का माते छिंदी से। डोगरी नंगे पड़गी की चोर आ गया, डोगरी आगो पार क्यों छोरा रे, या अपने रुकम बावे जी ने काला गबाम बांध बानो ची नीमड़ी के बांधो चोर गणा आ गया। चोर बिचार की तो रुकम बाव तो बानो ची नीमड़ी के बंदी है। बारह के बजी रे नीमड़ी पे छठिया जीव जान वा काली गांठ का हाथ लगायो, काली गांठ तो कोई नहीं भंवर बाव जी बेटा। अरे क्या भंवर बाव जी उड़िया इतनी बम्बो ना यार माता फूट गया धागा थी कोई के। पर डोगरी खड़की ने खोल मीनू लाल नाली क्योंकि चोर है चोर चोरी जाता तक है क्योंकि थूंगनी अवकार मेले गड्डी रे बदावे गड्डी है, वो चोरी नहीं ज्ञान की चोरी। सत्संग में बैठा शब्द की चोरी होना चाहिए। चोरी और ब्रह्म ज्ञान, आदमी ब्रह्म ज्ञान में समझनो छावे, जल तरण जल में तरबो भी याद रहनो छावे, और धीरज धरण एक रुपये लगा लाख रुपये तक नुकसान भेजो है धीरे भी धारनी पड़े छिजो कड़बो करबो नुकसान पाछो ना है। ये धीरज धरण ये चौदह विद्या निदान। ये चौदह विद्या तो राजा भोज के पास में ही, एक राजा विक्रमादित्य के पास में ही, एक अर्जुन के पास में ही, एक राज महाराज रावण के पास में ही ये चौदह विद्या का जानने वाला था। महिमा सुनकर आवियो ठाकुर थारे थे दे दर्शन दुख मेट जे श्री सांवरिया से। बोलो सांवरिया से, बोलो सांवरिया से। वाह भैया लीजिए भक्तों की इच्छा लाग रही है, बड़ा प्रेम उस सांवरिया जी की कथा सुनो, सूक्ष्म कथा है लीजिए। आ गया ओ जी मजीव ओ मेवाड़ी में ओ तारा गिरी माई प्रगटिया बने Thank you.
सामरा शहर का दो प्रमुख धाम है। मंडपे सामरा शहर दुखिया ने सुखिया करे और मुंगण सामरा शहर है। ताप मुंगणा वाला सामरा जी की महिमा सुनो। ओ दाना नगर के बाजू महीने अरे मंगरो एक मजान मंगरो एक मजान जी का मंदिर में सामरा जी की मूर्ति है। यह मूर्ति ताना का मंगरम निकली सर्व नमर मीने सामरा शेठ सर्व को रूप धारण कर बिल मीनू बाने निकलिया और वह अनोखा सर्व ने देख कांकड़ में गए चराबाड़ा ग्वाले वहां सर्व को पीछो की दो और ग्वाले को डर को मारियो सर्व पाचो बिल में घुस जावे। अरे देख कर रूप विकलाल नाग को ये ग्वाला मतो बनायो ये ग्वाला मतो अरे बिल महीने जा सुपिया बाजो की अरे केशो खेल रचायो सावरो केशो खेल लागा सर्प गए भेजा वे सामरा शेठ की मूर्ति निकल जावे। सामरा शेठ की मूर्ति निकलने के बाद हिमाड़ा की राड़ पड़गी। वह हिमाड़ा का ग्वाला केवल लगा मूर्ति तो माँ का हिमाड़ा में निकली मूर्ति माँ की है और वह हुई हिमाड़ा का ग्वाला केवल लगा मूर्ति तो माँ का हिमाड़ा में निकली मूर्ति तो माँ की है। यार हिमाड़ा की राड़ पड़गी। इस हिमाड़ा की राड़ ने मेटबा के लिए कपाशन थाना में इतला कर दी थी। कपाशन थानदार आ वह मूर्ति ले जा कपाशन थाना मेल दे दी। कपाशन थाना मीने सावरा शेठ की मूर्ति को चमत्कार देखो। जो कपाशन थाना मीने थानदार कुर्सी पर बैठा है वहां की लुगई को पैर दुखे। वो किसी हॉस्पिटल ले जा मगर वो पैर दुख तो त्यार ना वो थानादार तबादलो में चलो जा रहा। तू जो थानदार आ कुर्सी पर बैठे हो वहां की लुगई को पैर दुख वाला आ जा जा बड़ा थानदार की लुगई को पेट दब जावे। ये थानदार भारी परेशान हो गया कांग लुगाए तो अच्छी अच्छी काचा पड़ गया। आजकल जुजार दी आवे जी लुगाए ना आवे आदमी आ जोड़ मुंडा को बरे गे नाता अब तू के जुइस के रो वे थानदार साहब हा पाने शेर बनदार घर में जाता और मैन की माँ की आ जाता। लारे हवलदार साहब आ जीप चला जा क्यों साहब हो कम आप पाने शेर बनो घर में आओ निशान किसाने जाओ। थानदार साहब जो तू पागल है मैं बाहर भी शेर हूं और घर के अंदर भी शेर हूं मगर घर में आते ही या दुर्गा माता ऊपर बैठ दे बोल बन बाकी हूं शेर ही। तो फिर बाद में मुंगा ने चेतन दास जी महाराज शिखर बंद मंदिर बनाना क्यों और मूर्ति को मोर्त हाजबा के लिए
पोटला में नंदी के ढावे मंदिर हल्ली जो वाह मूर्ति लार मोड़ था हाजबा लगा फैर दिमाग चक्कर खाई योग नेवत मूर्ति आपने जयपुर भी लावा चतर उन्हें कपासन थंदार हम चार भेजा या मूर्ति आप अटू ले जाओ ये मूर्ति मोड़ था जो मैं ये मूर्ति हूँ घबरा गया मन का वजह जानवर ज्यादा हम जे आज आप अंधारा उजाड़े जानवर रखा कोई के सर्प डंक मार देवे तो माने नीमड़ा की डाली ले जाड़वा लाल जाओ आम नमो आदेश आद पुरुष ने शिमरु देवी शारदा गुणदाता गणेश ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाऊ महावीर भैरों को जाऊं सैं जी बासों को हाथ जोड़कर शीश नवाऊ और कुड़ी छुड़ाऊ नहीं धरती नहीं आकाश नहीं पवन नहीं पानी नहीं नौलक तारा देव नहीं दाना नहीं नहीं बारा उतारा ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं नहीं महेश जी सबसे पहले जन्म तुम्हारा हारा पहली क्षीर सागर में शेष नाग की सैया बनी श्री विष्णु भगवान वहां पे पौड़िया नाभि मीनू कमल निकाल कमल की डंडी में ब्रह्मा जी ने रवाने की दा और ब्रह्मा जी छह लड़का मंत्र उत्पन्न कर या सृष्टि रचई है सबसे पहले जन्म तुम्हारा आम श्री अलग अलग के बेटा कंगरोड कंगरोड के राजा बासक बासक के ताका ताका की बेल बड़ी जब धरती पे सांप जन्मिया वार तो मंगलवार तथी चौदश पृथ्वी पे पहली काड़ो जन्मियो और फिर धामण जन्मियो संग चकर पवन पकड़ परस परवसर नाग अलसेरी नाग बलसेरी नाग पोपसी नाग वाड़ा बाड़ा नाग तमड़ो नाग काबरु नाग आसमानी नाग अगस्वरी नाग बाला सीता नाग पवन शेषी नाग हरेवेश नाग हरे सारा नाग सागरियो नाग कोडालो कुली को कुड़दे नाग टिकालो नाग असली नाग डसली नाग तेंती श्रीगा नाग असली डांग नाग डींडवा नाग भैरी पट नाग टीवटी पड़ो नाग मोर धजिया नाग ये थागा का चौरासी पुत्र है कुड़ी तो काला नाग की सुमेर पर्वत की रोई बनाई श्री विष्णु भगवान शासन मध्या जिगा मेरू जय रे विष्णु निकलिया है श्री विष्णु भगवान शासन मध्या जिगा मेरे चौदह रतन निकलिया पांच गौ माता निकली पांच ऋषि ले गया ऐरावत हाथी निकलो इंद्र ले गया लक्ष्मी निकले जिन्हें विष्णु भगवान ले गया और अमृत निकलो जिन्हें देवता पी गया अब वहां समुद्र मंथन मिलो जेर निकलो वह जेर ने कुर पिए मीठो मीठो हर कोई पिए कड़वो ना पिए ना कोई कड़वो तो वो पिए जाके दर पे शीश नहीं हो हरि देवता शंकर भगवान ने जान करे भोलेनाथ यो जेर न था आपने पीनो फेरी पार्वती क्यों न था आपको दिमाग खराब है ये बढ़िया बढ़िया चीजें निकली हरि देवता ले गया वो जेर निकलो आपने पारिया आपने कभी मारबो छा गया दिखे शंकर भगवान क्यों पार्वती देखिये जेर भी पारिया कतरो आदर भाव पारिया आ जोड़ मुंडा गुबार घड़ी गाड़ी मनवार कर लिया है तो बाकी मनवार राखड़ी पेड़ी तो शंकर भगवान वहां जेर ने पी दो पार्वती खंडा में रोगलो नीलकंठ महादेव बाजिया और वहां जेर की एक बूंद जमीन में पड़ गई जिन्हें हाँप गोईरा चाट गया आका मुंडा में जेर जिदन पैदा हुए पहली जेर में हो श्री विष्णु भगवान शासन मध्या हरि उगे लिया पार्वती विष की घात लग गई अब आओ मामा देव की सर जीवन ले आओ कालो खादो नक्तम सु उतर जाई कार मर तो लोबेर भाई काम लोग यहाँ बड़ा कुड़ के कलंग लगाई बड़े भागल हो तुम हाथ जन्म नरक में पड़े लो बहन भाने जी जो आराम करे लो छोड़ पड़ पड़े नुंगरा का सबस साझा पंड काचा चलो मंत्र ईश्वर बाचा अध्यम जेर पातो डंक पावे कालो खादो तो को आदमी तैयार हो जा बैठो हो जा इले मनगा बजे जानवर ज्यादा हमजे मनगा के नहीं तो नाथ है मोरी है हैंडल है बरेक है माता आनी बाढ़ आ गई तो वाली भदक तो जा रही हो फिर बाद में चेतन दास जी महाराज मुंगाने शिखर बंद मंदिर बड़ा ना क्यों अरे धन धन रे भाग जा जो भगता को मुंगाना के मायदी मुंगाना के शिखर गढ़ माय में तारा गिरी
बाजा बाजा के साथ में कपाशन थाना मु निकल मुंगा ने चेतन दास जी महाराज का मंदिर में विराजमान बह गया। और जो पोटा में नंदी के ठाव मंदिर हलगर वाह मूर्ति लाया वाह मूर्ति ने चेतन दास जी महाराज बल्लोद आमली में नौ मंदिर बना वाह मूर्ति उठे धारण कर दे दी। अरे मैं दिए चेतन स्वामी अरे संत बड़ा उपकारी ये संत बड़ा उपकारी सावरिया सेठ की जय हो।